अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से। अगर मेरे यूट्यूब चैनल अली टेक के ऊपर नए सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड कर सकूँ आपको बजरिया नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो हमारा आज का टॉपिक है जी, फेसबुक अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। मुकम्मल प्रोसीजर मैं इसके अंदर बताने जा रहा हूँ। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, पूरी मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आपको भी समझ आ जाए। क्योंकि आप मार्केट से अकाउंट 50% लोग अपना फेसबुक अकाउंट नहीं क्रिएट कर सकते, वो दूसरे से क्रिएट करवाते हैं, वो फीस लेते हैं, वो पैसे लेते हैं, चार्जेस कर लेते हैं। तो क्यों ना मैं आपको ये मुकम्मल वीडियो में आपको ये तरीकाकार बताऊं कि फेसबुक अकाउंट किस तरह क्रिएट करते हैं। तो मैं आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, मुकम्मल वीडियो देखनी है ताकि आपको समझ आ जाए। तो बेसिकली फेसबुक अकाउंट एक एंटरटेनमेंट एप्लीकेशन है, यानी जब बंदा फ्री होता है तो बंदा उधर अपना टाइम पास कर सकता है, वीडियोस देख के, इस्लामिक वीडियो देख के, कोई अपनी अच्छी सी पोस्ट अपनी पोस्ट वगैरह शेयर करके, ठीक हो गया इस तरह। तो फेसबुक अकाउंट के साथ मैसेंजर एप्लीकेशन अटैच होती है, जैसे कि आप मैसेजेस करते हैं व्हाट्सएप पे या वैसे मैसेज करते हैं सिम के ऊपर, तो उस तरह वो मैसेंजर के ऊपर भी मैसेजेस होते हैं। तो वो उसके अंदर यानी कि फ्री होते हैं मैसेज, इधर आपको मैसेज पैकेज लगाना पड़ता है, व्हाट्सएप पैकेज लगाना पड़ता है। तो उधर मैसेंजर के ऊपर सिर्फ डेटा ऑन करें और मैसेज आप एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। तो इसका मैं मुकम्मल आपको समझाने जा रहा हूँ, आपने वीडियो स्किप नहीं करनी। ख्वातीन हज़रात एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अली टेक के ऊपर नया सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आपसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। आपने प्ले स्टोर के ऊपर आना है अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है। अगर आपके पास एंड्रॉयड मोबाइल है तो आपने प्ले स्टोर के ऊपर आना है, अगर आपके पास एप्पल है तो आपने ऐप स्टोर के ऊपर आना, ठीक हो गया। तो जब आप इन दोनों के ऊपर अगर इस हिसाब से ऊपर आएंगे, आप प्ले स्टोर के ऊपर आएंगे तो फेसबुक डाउनलोड करेंगे, तो जब फेसबुक डाउनलोड करेंगे और या ऐप स्टोर के ऊपर आएंगे तो फेसबुक डाउनलोड करेंगे, और इसलिए तो जब ये डाउनलोड कर लेंगे, ये ओरिजिनल डाउनलोड करनी है उसका आइकन मैं आपको दिखा देता हूँ। वेट, अच्छा जी मैं आपको आइकन दिखा देता हूँ इधर के, ये आइकन है फेसबुक का, ये वाली ओरिजिनल डाउनलोड कर लेनी है, ठीक हो गया। ताकि कोई लाइट वगैरह फेसबुक डाउनलोड नहीं करनी, ये डाउनलोड कर लेंगे। जब इसे आप ओपन करते हैं तो ये कैसे एक इंटरफेस आता है कि इधर आपसे वो पूछता है जी आपका नाम क्या है, आपका पासवर्ड क्या है, ठीक है, वो सारा कुछ पूछता है। अगर आप पहले से बनाए लॉगिन करने चाहते हैं तो उधर आप इंटर यूज़र नेम डालेंगे, जो ईमेल या मोबाइल नंबर जो भी आपका हो, नीचे अपना पासवर्ड कोड डालेंगे तो आप यानी पुराने वाली लॉगिन कर सकते हैं। अगर नहीं बनाना चाहते हैं, नीचे लिखा होता है क्रिएट एट अ कोड, अल्हम्दुलिल्लाह नीचे लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करते हैं। जब क्लिक कर लेते हैं तो उधर आपको लिखा होता है जी फर्स्ट नेम, सर नेम और लास्ट नेम। सर नेम यानी कि दो नाम होते हैं जी, जैसे किसी का नाम होता है जी मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद अली, इस तरह जो भी होते हैं उस तरह होता है, यानी एक नाम पहले दूसरा नाम। जैसे मैं डाल देता हूँ अली, फर्स्ट नेम सर नेम अली, और सेकेंड नेम लास्ट नेम डाल देता हूँ टेक। ये मेरा जब आईडी बनेगी तो ये अली टेक के नाम पे बन जाएगी, ठीक हो गया। फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ, वो मुझसे मेरी एज पूछता है तेरी उम्र क्या है, तो मेरी एज मैं अपनी एज जो कोई मर्जी डाल लूँ, इसमें कोई नहीं है कि जी मैं अपनी एज इतनी डाल लूँ तो वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। तो उधर आप जितनी मर्जी एज डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है मेरे भाई, आप जो मर्जी एज डालें। तो जब अपनी ये इसका नादरा के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता कि आप कहें जी नादरा के साथ मेरी उम्र कम है, इधर मैं ज़्यादा डालूँ तो मेरा अकाउंट बने जाना, नहीं नहीं आप डालें, उम्र डालें, कोई मसला नहीं मेरे प्यारे भाई। आप जब उम्र डालेंगे उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, फिर वो आपसे पूछेगा आपका जेंडर क्या है, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप क्या चीज़ हैं, तो आपने वो बताना है, ठीक है। जब वो आपने बताना है तो आप जब बताएंगे, जब आप अपनी एज दूसरा अपना जेंडर बताएंगे तो फिर वो आप नेक्स्ट करते हैं। फिर वो आपसे पूछता है जी इंटर मोबाइल नंबर, जिस मोबाइल नंबर पे बनानी है वो मोबाइल नंबर दें। मोबाइल नंबर देने का उसके ऊपर एक ओटीपी कोड आता है, ओटीपी कोड आएगा, फिर वो आप नेक्स्ट करेंगे।
जब वो ओटीपी कोड आप नेक्स्ट करते हैं, ओटीपी कोड दे, फिर वो कहता है जी क्रिएट अ पासवर्ड, आपने पासवर्ड क्रिएट करना है कि आपका पासवर्ड किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, तो जब वो पासवर्ड आप दे देंगे तो आप नेक्स्ट करते हैं, तो फिर वो आपसे पूछता है आपका यानी प्रोफाइल पिक्चर पूछेगा, आपकी प्रोफाइल पिक्चर क्या है, आपने गैलरी से लगानी है, जो मर्जी लगानी है गैलरी से लगाएं तो आप गैलरी से लगा सकते हैं, अगर आप कैमरे से बना के लगाएं कैमरे से बना के लगा सकते हैं। फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर आपके फ्रेंड्स की एक लिस्ट आएगी, आप उन्हें जानते हैं तो दोस्त बनाना चाहते हैं तो ऐड फ्रेंड के ऊपर क्लिक करते हैं, जब ऐड फ्रेंड के ऊपर क्लिक कर देते हैं तो फिर आप यानी कि नेक्स्ट कर देते हैं, तो नहीं तो आप नहीं करना चाहते, आप ऊपर स्किप करके आपका अकाउंट रेडी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमें सपोर्ट करते रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।